प्रदेश कांग्रेस नेताओं से नाराजगी के चलते इस्तीफा देने वाली कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से चर्चा के बाद इस्तीफा वापस ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची नूरी खान ने एशियन भारत से एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा के चलते उन्होंने यह कदम उठाया था, लेकिन पार्टी नेताओं की समझाइश पर इस्तीफा वापस ले लिया है। नूरी खान से एक्सक्लूसिव चर्चा की एशियन भारत के ब्यूरो चीफ विनीत पाठक ने। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री नूरी खान जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या नाराजगी थी आखिर? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी हो, वहां पर अल्पसंख्यकों को पूरा सम्मान मिले और उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के साथ साथ संख्या भी सुनिश्चित कर दी जाए। तो एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ और सवाल भी थे और मैं अपना इस्तीफा देकर अब कुछ अपना घर में समय व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी के ने मुझे कहा कि नहीं, वापस इस्तीफा लेना है। इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और चूंकि आदरणीय कमलनाथ जी पार्टी के मुखिया ही नहीं वरन एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में लाने का काम किया है, ऐसे समय में कहीं ना कहीं मेरा घर बैठना उचित भी नहीं था। मैंने पार्टी के आज्ञा और आदेश का पालन किया और पुनः अपनी नाराजगी छोड़कर मैं आज फिर कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आपको नजर आ रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से कोविड के समय में लगातार आपने काम किया, प्रशासन का विरोध भी किया, संघर्ष भी उनसे किया, इस सब के बाद भी क्या लगता है, क्या जो महत्व मिलना चाहिए था कांग्रेस कमेटी वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, मुझे तो आदरणीय कमलनाथ जी ने अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर भी बनाया है और अभी वर्तमान भी मैं आईसीसी मेंबर भी हूँ, महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो यह मेरे पद का सवाल नहीं था। और रही मेहनत की, समाज सेवा की, तो ये मेरे ब्लड में है। मैंने अपने पदों से इस्तीफा दिया था, अपनी विचारधारा से नहीं। तो जो मेहनत मैंने की, अगर मैं जेल गई तो आदरणीय कमलनाथ जी स्वयं उज्जैन पहुंचे और वहां के प्रशासन को चेतावनी दी कि आप एक आम कार्यकर्ता को इस तरीके से जेल में नहीं डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी मेरे साथ खड़े नजर आए हैं। हाँ, मेरी कुछ मांगे जरूर थी जिन्हें बड़ी गंभीरता से भी लिया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उन सारे बिंदुओं पर गंभीरता के साथ काम भी किया जाएगा। बात सिर्फ आपके पद की नहीं है, बात ये है, सवाल ये है कि कांग्रेस कमेटी में जिस तरीके से जो लोग संघर्ष करते हैं उनका नाम पदों के लिए नहीं आ पाता या उन्हें बड़े पद नहीं मिल पाते। दो बार आपका नाम भी एमएलए के लिए आया लेकिन काट दिया गया। इसके बाद फिर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी आपका नाम काफी चर्चा में था, वो भी नहीं बनाया गया। तो क्या इन सब चीजों की पीड़ा और कांग्रेस में आम कार्यकर्ता जो संघर्ष करता है उसको आखिर सम्मान कब मिलेगा, उसको उसका हक कब मिलेगा? देखिए, यही कांग्रेस का बड़ा लोकतंत्र है कि आज अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद भी मैं फिर से कांग्रेस में हूँ। यही सच बोलना हमें राहुल गांधी जी ने भी और कमलनाथ जी ने भी सिखाया है कि हम अपने नेताओं के सामने सच बोल सकते हैं। आप भाजपा में जाकर देखिए, एक शब्द कोई कहेगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतंत्र है जहां पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। रहे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात, तो अभी वक्त हमारा संघर्ष का है, उस चीज को भी मैंने गंभीरता के साथ सोचा है, अपनी बात भी रख दी है और आदरणीय अध्यक्ष जी और पार्टी की बात भी मान ली है। आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक सवाल और, सुबह आपने इस्तीफा दिया, शाम को जब मान मनोबल हुई तो इस्तीफा वापस ले लिया। बीजेपी ये कह रही कि ये नूरी खान की प्रेशर पॉलिटिक्स। देखिए, जिस वक्त आपने कहा कि मेरा नाम महिला अध्यक्ष के लिए था, अगर मैं नहीं बनी प्रेशर पॉलिटिक्स होती तो मैं उस दिन इस्तीफा देती। दो से तीन बार मेरा टिकट कट चुका है, अगर मुझे पद का लालच होता तो मैं उस वक्त इस्तीफा देती। लेकिन कहीं ना कहीं जिस विचारधारा से मैं ताल्लुक रखती हूँ, अगर मुझे उसमें कुछ सोचने में आ रहा था तो मेरे अंदर की एक तकलीफ थी जो मैंने अपनी पार्टी के सामने रखी और तुरंत सही समय पर पार्टी ने मुझसे संपर्क भी साधा। प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पर। क्या माना जाए, अब सब कुछ ठीक हो गया, नाराजगी दूर हो गई? देखिए, सब कुछ ठीक है, नाराजगी भी दूर है, क्योंकि नाराजगी तो मेरी ऐसे लोगों से जिन्होंने असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई है। तो आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। बाकी रूठना, मनाना, नाराजगी, ये तो एक परिवार में ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है जो चलती रहती है और इस पर भाजपा जैसी पार्टी को तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। साफ तौर पर नूरी खान आज पीसीसी पहुंची हैं और उनका कहना है कि जो भी नाराजगी थी उसे दूर कर लिया गया है, पार्टी नेतृत्व ने जो उनकी मांगे थी वो सुनी है और अब वो फिर से एक बार कांग्रेस की कार्यकर्ता के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन अवैसी होते के साथ विनीत पाठक, एशियन भारत, भोपाल।